नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल सोकल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक बहुत ही बढ़िया पावर बैंक बनाना। जी हां दोस्तों, पावर बैंक जो कि मोबाइल को चार्ज करने में काम में आता है। इसमें हर प्रकार की आप डाटा केबल लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल टेक्निकल सोकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपको इस प्रकार की 9 वोल्ट की बैटरी लेनी है, तीन, ठीक है दोस्तों। ये तीन बैटरी हमने 9 वोल्ट की ली है। इसके अलावा एक के आईसी लेनी है 7805, ठीक है दोस्तों। आपने नाम तो सुना ही होगा, 7805 बहुत मशहूर आईसी है। इसके अलावा दोस्तों हमें इस प्रकार की ये बैटरियाँ लेनी है। ये बैटरियाँ बिल्कुल डेड है, ये जो आप देख रहे हो ये कनेक्टर हमें इसमें से निकालना है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो ये कनेक्टर है ये मार्केट में भी आपको 4 से 5 रुपए तक मिल जाते हैं इस प्रकार के, कहीं कहीं 6-7 रुपए के भी मिल जाएंगे। तो ये चाहे तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। इस प्रकार के हमें तीन लेने हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ पैसे बचाने की सोच रहा हूँ तो दोस्तों मैं यहाँ से ये तीन कनेक्टर इसी में से ले लूँगा। तो आपको बताता हूँ कि ये किस प्रकार से निकालते हैं। तो चलिए आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें ये एक बैटरी, जो डेड बैटरी है ये मैंने ली है, यहाँ जो आपको कट का निशान दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से हमें किसी भी नुकीली चीज़ से और इसे खोलना होगा। तो देखिए ये मैंने इस प्रकार से पेचकस से इसे खोला है। ये और ये देखिए दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हो और ये किसी काम में नहीं आएगा, और हमारे जो काम में आने वाली चीज़ है ये। अभी ये जो कनेक्टर है दोस्तों, इस कनेक्टर को हम यहाँ से काट लेंगे, क्योंकि ये जो पत्ती इसमें लगी हुई है ये एक्स्ट्रा है और ये हमारे कोई काम में नहीं आने वाली। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से एक कनेक्टर बन गया जो कि हमारी इस बैटरी में आसानी से लग जाएगा इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। तो हमें इस प्रकार के तीन कनेक्टर चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए आप, ये तीन मैंने कनेक्टर ये डेड बैटरी से निकाल लिए है, ठीक है दोस्तों। चाहे तो हम इसमें वायर जोड़ के यहाँ और यहाँ वायर जोड़ के और कनेक्टर बना सकते हैं इस प्रकार का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, ये चीज़ मैंने आपको अलग से बताई है, मैं चाहता तो इसकी जगह कनेक्टर ले सकता था। अब हमें एक इस प्रकार का कनेक्टर भी लेना है जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, ये आपको 2-3 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो मैं आपको ये पावर बैंक बनाने जा रहा हूँ ये मात्र आपको 40 रुपये के आसपास पड़ेगा पूरा, ठीक है, क्योंकि ये 10-12 रुपए की बैटरी आएगी और ये कनेक्टर और ये सारे ये सब मिला के आपके 40 रुपए के मात्र ये पावर बैंक पड़ेगा दोस्तों। ये मैं इस प्रकार से इसको बना रहा हूँ कि जैसे ही इनमें से बैटरी खत्म होती है आप आराम से इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये जो प्लस है और यहाँ ये माइनस है, तो मैं जैसे ही इसको यूँ लगाऊंगा, है ना, ये देखिए ये प्लस और ये माइनस बन जाएगा। तो हम इनको सबको इस प्रकार से लगा देंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा ये प्लस है और ये माइनस है, तो हम इस कागज़ पे इस प्रकार से माइनस मार्क कर लेंगे और ये आपका प्लस हो गया, ठीक है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें सब में इसी प्रकार से हमें करना होगा ताकि हमें ध्यान रहे, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस। तो हमने ये सब में कर लिया है दोस्तों इस प्रकार से। अब करना क्या होगा दोस्तों, इनको इस प्रकार से चिपका लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं इनको सीरीज वाइज इस प्रकार से चिपका देता हूँ। और दोस्तों ध्यान में ये रखना होगा कि हमने जो प्लस माइनस लिए हैं वो बिल्कुल एक तरफ होने चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनको हमें और भी अच्छी तरीके से चिपका देना है, तो हम इसको और चिपका लेंगे इस प्रकार से ताकि ये बिल्कुल सट जाए और खुले नहीं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमने चिपका लिया इनको और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से चिपक गई है। तो दोस्तों अब इनमें हम कनेक्टिविटी कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्लस प्लस है इन सबको एक कर देंगे और माइनस माइनस है उनको एक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्लस के ऊपर लगा रहा हूँ रेड वायर। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये हमने प्लस प्लस को जोड़ दिया है। अब हमें जो माइनस है ये माइनस माइनस हमें
एक करना है बिल्कुल। तो माइनस के लिए हम ब्लैक वाला वायर लेंगे। इसी प्रकार से हमें ये वायर इस प्रकार से ब्लैक ब्लैक जो माइनस के जहाँ जहाँ भी कनेक्टर है वहाँ हमें ये ब्लैक वाला वायर जोड़ देना है इस बैटरी पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमने इस प्रकार से कर लिया है। तो दोस्तों अब हम ये जो कि आप देख पा रहे हैं ये यूएसबी कनेक्टर है, तो इस यूएसबी कनेक्टर को हमें इस प्रकार से लगाना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इस यूएसबी कनेक्टर के अंदर ये चार लेग आपको दिखाई दे रही होगी, 1 2 3 4। इसके अंदर हमें लेफ्ट और राइट ये दो ही कनेक्टर, ये दो ही लेग हमारे काम में आएगी, बाकी की ये दो लेग हमारे काम में नहीं आएगी। ये दो लेग यहाँ पे प्लस 5 वोल्ट और ग्राउंड के लिए है, ठीक है, जो कि इधर से भी हमें अंदर दिखाई दे रही है। तो बाकी की दो जो ये लेग है ये हमारे काम में नहीं आएगी। तो अब हम इसको इस प्रकार से लगा लेंगे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वाली जो लेग है ये प्लस 5 वोल्ट के लिए है और ये माइनस यानी ग्राउंड के लिए है, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं इसको उल्टा लगा रहा हूँ फिलहाल, तो आप ये देखिएगा कि ये जो है ये प्लस 5 वोल्ट है और ये माइनस यानी ग्राउंड के लिए है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे इस प्रकार से चिपका देता हूँ। और ये जो 7805 है आईसी, ठीक है, इसका मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राउंड है, यहाँ इनपुट है, इनपुट वोल्टेज के लिए है या आउटपुट वोल्टेज के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इनपुट देना है यानी 9 वोल्ट यहाँ आएंगे और यहाँ से 5 वोल्ट निकलेंगे, ठीक है, आउट होंगे। ये हम इस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पे 5 वोल्ट और ये ग्राउंड है बीच वाली लेग, और यहाँ हमें इनपुट देना है, ये खाली है बिल्कुल, ठीक है। तो मैं इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको जो आईसी को चिपका देता हूँ ब्लू से। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जो आपको इन कनेक्टरों पे एक बार वोल्टेज चेक करके बता देता हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज कितने आ रहे हैं। इनको पैरेलल में लगाया है, समानांतर में लगाया है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 9 वोल्ट ही आने चाहिए जो कि बैटरी में है। तो मैं यहाँ पे चेक करके आपको बता देता हूँ दोस्तों। आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 9 वोल्ट के समथिंग ही है। अगर मैं इनको सीरीज में लगा देता, ठीक है, ये मैंने पैरेलल में लगाया, अगर मैं इनको सीरीज में लगा देता तो ये वोल्टेज 9 की जगह 18 वोल्टेज होते, ठीक है। तो ये 9 वोल्टेज इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होंगे इसमें से, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 बैटरियाँ ली है। तो चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। अब दोस्तों बिल्कुल आसान काम है आगे का। अब हमें ये जो बीच वाली लेग है आईसी की, यहाँ पे हमें ये ब्लैक वाला वायर जोड़ना है यानी ग्राउंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको जोड़ देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। और ये जो रेड वाला वायर है ये यहाँ पे जोड़ देता हूँ, जो आईसी की इनपुट है, ये इनपुट ले गए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि यहाँ वोल्टेज कितने आ रहे हैं इस कनेक्टर पे। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहे हैं जो कि इस यूएसबी कनेक्टर के लिए सफिशियंट है। हम इसको इस कार्डबोर्ड के द्वारा इजीली यहाँ से काट के और ढक देंगे जिससे ये अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैंने इसको इस प्रकार से चिपका दिया है कार्डबोर्ड के द्वारा, और एक अच्छा सुंदर पावर बैंक बन गया है। इस पावर बैंक में हम जो बैटरियों को आसानी से हटा सकते हैं जब ये डिस्चार्ज हो जाए, और जब हमें इनको चेंज करना है तो हम इसको यहाँ से पकड़ के और इस प्रकार से हटा सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल फ्री हो चुकी है बैटरियाँ, और इसी प्रकार से इनको लगा के और वापस से हम सेट कर सकते हैं, वापस से कनेक्टर लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसको आपको इस मोबाइल को चार्ज करके बता देता हूँ। तो ये देखिए मैंने ये कनेक्टर इसमें लगा दिया है दोस्तों, आप मोबाइल में देख सकते हैं
ये देखिए दोस्तों, जो बैटरी है ये चार्ज होना स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। ठीक है, मैं कनेक्टर आपको हटा के बता देता हूँ। ये देखिए चार्ज होना बंद हो गया है और मैं वापस से इसको लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो बैटरी है चार्ज होना स्टार्ट हो गई है। तो आशा करता हूँ दोस्तों मैंने वीडियो को अच्छे से समझाया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।